हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर एवर इंडिया। मैं आज आपको वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पूरे वॉलीबॉल कोर्ट को ये हमने थर्मोकोल शीट पर बनाया है स्पेशल प्रैक्टिकल के लिए और आप लोगों को बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वॉलीबॉल कोर्ट नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 18 मीटर होती है, तथा चौड़ाई 9 मीटर होती है। इसके हाफ होती है लंबाई के चौड़ाई। ये हमारी सर्विस लाइन होती है और हमारी ये एंड लाइन होती है। ये हमारा सेफ जोन होता है जो 10 मीटर होता है, ये पूरे कोर्ट की चारों तरफ होता है। उसके बाद ये डिफेंस जोन जिसकी लंबाई 6 मीटर, उसके बाद ये अटैक लाइन, अटैक जोन की लंबाई 3 मीटर, उसके बाद सेंटर लाइन, उसके बाद फिर से अटैक जोन, अटैक लाइन, डिफेंस लाइन, डिफेंस लाइन की लंबाई 6 मीटर, अटैक जोन की लंबाई 3 मीटर। उसके बाद हमारा ये बाहर का जो पोर्शन है दोस्तों, जोन ए और जो जोन बी, यहाँ पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी को बिठाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों टाइम रेफरी, स्कोरर और चीफ रेफरी जो इस पूरे मैच का जायजा लेते हैं, उसे मैच को देख रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी लाइनें होती हैं, अटैक लाइन दोस्तों, ये कोर्ट के थोड़ी सी बाहर होती हैं, 0.75 सेंटीमीटर दोनों तरफ, इस जोन में भी और उस जोन में भी बाहर की तरफ खींची जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये नेट होता है, इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 11 मीटर की होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। और इन खंभों की लंबाई दोस्तों, दोनों खंभों की लंबाई 2.55 मीटर होती है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे एंटीना होते हैं, इनकी लंबाई 1.80 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये जो दोस्तों इनकी गोलाई 10 mm की होती है दोस्तों। इसके बाद जो हमारे ये नेट के बॉक्स बने होते हैं, ये 10x10 सेंटीमीटर के होते हैं, और इनकी जो ऊपर और नीचे की पट्टी होती है दोस्तों, ये 3 इंच की होती हैं। दोस्तों हमने आपको पूरे इस कोर्ट के बारे में बहुत डीपली से बताया है। उसके बाद दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।